हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे एक डॉगी है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे एक कॉल आई थी कि यहाँ पे सड़क पे 2 दिन से एक बच्चा पड़ा हुआ है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम फिर वहाँ पे गए तो हमें पता चला बच्चा तो काफ़ी एजेड है, आप सब देख रहे होंगे, ये बूढ़ा बच्चा है और इतना ज़्यादा परेशान था। इसके पीछे वाले पैरों में भी शायद ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है, कार से हुआ है, वो मुझे नहीं पता, बट इसके जो पीछे वाले पैर थे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको चलने में। फिर हमने इन भैया से बोला कि भैया आप इसको कंट्रोल कर लो क्योंकि आपको जानता है। हमने चाहते थे बूढ़ा बच्चा इसको हम परेशान करें जिससे कि डरे और हम इसको पकड़े, वैसे तो हमने इसको रिलीफ होने दिया। भैया ने हमारी बहुत हेल्प की, भैया ने बच्चा आराम से हमें पकड़ के दे दिया। फिर बच्चे के पास हम आराम से गए, इसको हमने कंफर्टेबल कराया कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर हमने उसकी बॉडी पूरी चेक की कहाँ प्रॉब्लम है, फिर हमें पता चला बच्चे एक गली पे भी ट्यूमर टाइप का कुछ है, वहाँ पे गांठ है। तो बड़ा दुख हुआ कि एक तो बच्चा एजिट है और इतने दुख पहले से झेल रहा है, इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो हम 2 ट्रीटमेंट तो एक साथ नहीं कर सकते थे, हम एक ही ट्रीटमेंट कर सकते थे, बट अभी स्टार्टिंग थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बच्चा एजिट था, इस चीज़ का बड़ा दुख था कि कैसे इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है रोड पर। फिर हमने इसकी दोबारा से पूरी बॉडी चेक की कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, इसके चारों पैर चेक किए हमने क्योंकि स्वेलिंग आई हुई थी इसकी बॉडी पे, पैर पे भी। और यहाँ पे एक बच्चा जो उनको हम खाना दे रहे थे पास आके देख रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, और लोग भी पूछ रहे थे क्या हुआ, उनको लगा हम क्या कर रहे थे। हमने बोला हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, तो बोले ठीक है। हमने फिर इस बच्चे को लेटाने की कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं लेट रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसको ये लग रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो क्यों नहीं लगेगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, एकदम से कोई पकड़े तो लगता ही है। फिर यहाँ पे मैं ड्रिप लेके खड़ी थी, हमें ऑन द स्पॉट्स का ट्रीटमेंट करना पड़ा क्योंकि बच्चा काफ़ी वीक था। फिर हमने इसका फीवर चेक किया, बुखार भी था बच्चे को जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, एजिड बच्चा था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इस बच्चे के लिए। फिर हमने इसकी हवा भी की क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था, सदमे में था कि मैं, एक तो होता है ना बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो एक होता है कि एजिड बच्चा बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है, एक तो उसने पूरी ज़िंदगी रोड पे काटी होती है, इतने लात पत्थर खा के फिर बेचारे का लास्ट में एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत मतलब बुरा लगता है। फिर इसको हमने इंजेक्शन लगाया जिससे कि इसको रिलीफ मिले, पेन किलर इंजेक्शन लगा था जिससे कि इसको पेन ना होए क्योंकि उसको बहुत दर्द होता, बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो आई होप आप सब भी अपने घर के आसपास इन बच्चों की हेल्प किया करो।